बच्चों आप कैसे हैं सब कुशल से हैं ना लगता है सब, सब लोग ओणम की खुशी में हैं बच्चों पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था क्लास बहुत अच्छा हम गजानन माधव मुक्तिबोध जी की पक्षी और दीमक कहानी पढ़ रहे थे कहानी का मुख्य पात्र कौन थे एक नौजवान पक्षी और क्या क्या याद है आपको बताइए पक्षी किसके प्रलोभन में फंस गया था हाँ गाड़ी वाले के प्रलोभन में फंस गया था पक्षी प्रलोभन में आकर क्या कर रहा था रोज अपना पंख देकर गाड़ी वाले से दीमके खरीदता रहा उससे पक्षी की स्थिति ക്യാസി ഹോ ഗി ചിതലുകൾ നിറച്ച ചാക്കുമായി വന്ന വണ്ടിക്കാരൻ്റെ പ്രലോഭനത്തിലകപ്പെട്ട് ആ പക്ഷി തൻ്റെ തൂവലുകളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോഴവന് പറക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ശരിയാണ് അവന് തീരെ പറക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവനിപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ജില്ലയിൽ നിന്നും ആ മരത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് ചാടി ചാടി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലായി क्या अब वो पक्षी उठ सकता है नहीं वो अब पेट की एक डाल से दूसरी डाल पर फुतक कर चलता है उठता नहीं तो दोस्तों हमने पिछली कक्षा में आपसे एक प्रश्न का उत्तर भी लिखने को कहा था क्या आपने लिखा अपनी टीचर दी को दिखाया दिखाया बहुत अच्छा मुझे भी कुछ उत्तर मिले हैं स्कूल से उनमें से एक में आपके लिए पट्टी हूँ आदि नमुका चौदह दीमके हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए अपने तो नहीं दिए जा सकते यहाँ किस सच्चाई की ओर संकेत किया गया है उत्तर देखें हर प्राणी का अपना स्वाभाविक आहार होता है प्रलोभन में आकर अपना स्वाभाविक आहार छोड़कर बनावटी चीजें खाने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है उसके लिए अपना अस्तित्व नष्ट करना मूर्खता है। बनावटी भोजन माने क्या है कृत्रिम भक्षण बनावटी भोजन से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है आरोग्य नशिच बो अदेंडी अस्तित्व नष्ट पड़त तो दोस्तों आगे क्या हुआ होगा देखें बीच बीच में गाड़ी वाला बुत्ता दे जाता वो कहीं नज़र में न आता पक्षी उसके इंतजार में खुलता रहता बीच बीच में गाड़ी वाला बुत्ता दे जाता गाड़ी वाला बुत्ता दे जाता बुत्ता देना इसका अर्थ क्या है धोखा देना काबले गाड़ी वाला बीच बीच में बुत्ता दे जाता गाड़ी वाला इडकी जाता उसका क्या कारण होगा जरा सोचिए क्या पक्षी के पास अब पंग है नल तूवल उंडो नहीं तो गाड़ी वाला क्यों उसके पास आता गाड़ी वाले को अब पक्षी से कोई फायदा है नहीं उसे अब पक्षी से कोई फायदा प्रयोजन नहीं है अब पक्षी के पास गाड़ी वाले को देने के लिए अच्छे पंख भी नहीं है तो गाड़ी वाला बीच बीच में बुत्ता दे जाता और पक्षी गाड़ी वाले के इंतजार में खुलता रहता गाड़ी वाले की प्रतीक्षा में खुलता रहता है पक्षी अब कुटिले पक्षियां विकने प्रदीशवस्थल भक्षचे कहियू चितली कट्टे तीरू तीर। क्योंकि उसे दीमकों का शौक है आगे क्या हुआ होगा जरा देखें लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था उसने सोचा मैं खुद दीमकें ढूंढूंगा इसलिए वो पेट पर से उतर कर जमीन पर आ गया और खास के एक लहराते गुच्छे में सिमटकर बैठ गया पक्षी को किसका शौक है हाँ का शौक है। पक्षी ने क्या सोचा मैं खुद मैं स्वयं दीमकेम ढूंढूंगा ढूंढूंगा माने अन्य शिक्यु मैं खुद मैं खुद दीमकेम ढूंढूंगा दीमकों के लिए पक्षी ने क्या किया हां वो जमीन पर आया पक्षी पेट से जमीन पर आया और खास के लहराते गुच्छे में सिमट कर सिमट कर बैठ गया हाँ वो जमीन पर आया पक्षी जमीन पर आया और खास के लहराते गुच्छे पर बैठ गया कैसे बैठ गया सिमट कर बैठ गया खास पाने तिनका पुल ग्रास खास के लहराते गुच्छा गुच्छा माने कोटा देखिए खास का लहराता गुच्छा इस गुच्छे में पक्षी सिमट कर बैठ गया फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया वो खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुनकर खाने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा अब उसके पास दीमकों के ढेर के ढेर हो गए खूब मेहनत से खूब परिश्रम से उसे क्या मिला हाँ उसे दीमके मिली क्या उसने उन दीमकों को खाया नहीं तो फिर क्या किया उसने उसे इकट्ठा किया एकत्र किया इकट्ठा करना माने ശേഖരിക്കുക അബ് ഉസ് കെ പാസ് ദീമകേ ഹെ അബ് ഉസ്കെ പാസ് ദീമകോ കാ ധേർ ഹെ ഠേ നെ ബോറെ മാനെ കൂട്ടം കൂമ്പാരം പാസ് ധേർ കെ ർമേ ഹൈ കുട്ടികളെ നമ്മളിവിടെ എന്താ കാണുന്നത് പക്ഷിക്കുണ്ടായ ഒരു മനം മാറ്റം അല്ലേ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ നന്നായി അധ്വാനിച്ച് ചിതലുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അതൊക്കെ തിന്നോ അതെല്ലാം കഴിച്ചോ അവൻ ഇല്ല അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷി ഇൻ ഡീമകോകോ ക്യോം ഇക്കട്ടാ ഏ ജനക്കെലി ആകെ പഠന ഫെർക്ക് ദിന ഗാടിവാ പക്ഷിക്ക് ബി ഹുഷി പുര गाड़ी वाले ओ गाड़ी वाले मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था गाड़ी वाले को देखकर पक्षी को क्यों बड़ी खुशी हुई बताइए गाड़ी वाला गाड़ी वाला आया है इतने नाल प्रदेश चले पक्षी इरनद अले क्या अब पक्षी को गाड़ी वाले से दीमक खरीदने की जरूरत है नहीं क्यों धारा दीमक शेखरी वाण हाँ पकल धारा चिदल उसने खूब मेहनत करके दीमकें इकट्ठा की हैं तो फिर पक्षी गाड़ी वाले को देखकर इतना खुश क्यों होता है देखें गाड़ी वाले ओ गाड़ी वाले मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था इंतजार करना माने प्रतीक्षा करना तो पक्षी गाड़ी वाले की प्रतीक्षा में था चिदल कह शेखरी आ पक्षी गया ना अल आगे देखे पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया तो पक्षी ने कहा देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली हैं पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया गाड़ी वाला रुक गया पहचानी आवाज माने परिचित स्वर रुक जाना निलक गया पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया पक्षी ने गाड़ी वाले से क्या कहा देखो मैंने इतनी सारी दीमकें इकट्ठा की है मेरे पास बहुत दीमकें हैं मैंने इतनी सारी दीमकें इकट्ठा की है इकट्ठा करना शेख दिखेगा मैंने इतनी सारी दीमकें इकट्ठा की है मेरे पास बहुत दीमकें हैं गाड़ी वाले एंत मार बड़ी परम नोकी लो गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई उसने सिर्फ इतना कहा तो मैं क्या करूं तो मैं क्या करूं? पक्षी ने क्या कहा होगा देखें ये मेरी दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो ये मेरी दीमके ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो मेरे पंख मुझे वापस कर दो पक्षी ने कहा गाड़ी वाला ढा कर हंस पड़ा कर हंसना माने पोटी चिड़कीगा അപ്പോൾ കുട്ടികളെ എന്തായിരുന്നു പക്ഷിയുടെ ആവശ്യം അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അവൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിതലുകളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വണ്ടിക്കാരൻ അവൻ്റെ തൂവലുകളെല്ലാം മടക്കി നൽകണം പക്ഷേ വണ്ടിക്കാരൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഗാടിവാലനെ ക്യാവക്കൂഫ് അരേക്കൂഫ്ലെത്താഹ पंखे बदले दीमक नहीं बेवकूफ माने मूर्ख विट्ठी विट्ठी आया स्टिपिट अरे पक्षी तो बेवकूफ़ है बेवकूफ मैं दीमक के बदले बदले माने पगरम मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ पंख के बदले दीमक नहीं अर्थात गाड़ी वाले को दीमक नहीं चाहिए गाड़ी वाले को दीमक नहीं चाहिए उसे केवल पंख चाहिए दीमक नहीं गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर जोर दिया था बेवकूफ मैं दीमक के बदले पंख लेता हूं पंख के बदले दीमक नहीं अयाल पंख एना वाक ऊनी पर वंडिकारन तूवलुगल तिरिच्चु नल्गियो इल्ला അയാൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അയാൾ ചിതലിന് പകരം തൂവലുകൾ വാങ്ങും അല്ലാതെ തൂവലുകൾക്ക് പകരം എന്ത് വാങ്ങില്ല ചിതലുകൾ വാങ്ങുമോ ഇല്ല കുട്ടികളെ ഇവിടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ പക്ഷിക്കോ ബേവക്കൂ കഹനയ്ക്ക് സംബന്ധമേഫ് कहने के संबंध में आपकी राय क्या है बेवकूफ माने मूर्ख विठी आया राय अभिप्रायम ओपिनियन तो बच्चों पक्षी को मूर्ख कहने के संबंध में आपकी राय क्या है क्या पक्षी बेवकूफ है तो बताइए पक्षी के लिए पंख का क्या महत्व है बताइए पंख नहीं तो हम पक्षी को पक्षी क्यों कहें जरा सोचिए माने पंख ही पक्षी पक्षी को बनाता है। पंख ही पक्षी को पक्षी बनाता है पंख ही, ही उसका अस्तित्व है पंख ही पक्षी का अस्तित्व है समझे पंख के नष्ट होने से क्या होता है पंख के नष्ट होने से क्या होता है बताइए हाँ उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है किसी प्रलोभन में आकर अपना अस्तित्व नष्ट करना समझदारी है नहीं तो बताइए पक्षी को बेवकूफ कहने के संबंध में आपकी राय क्या है जरा अपनी पुस्तिका में लिखिए और अपनी टीचर जी को दिखाइए आगे देखें। अब पक्षी का क्या हाल है अब वो क्या करता होगा देखें गाड़ी वाला चला गया पक्षी चटपटाकर रह गया पक्षी चटपटाकर रह गया चटपड़ाना मने पीड़ाएगा ले नीर नीर ये दिखिए आना पक्षी क्यों उसने धोखा खाया है उसने धोखा खाया है आर आना पक्षी ये चादिच चद गाड़ी वाले ने पक्षी को धोखा दिया है गाड़ी वाले आ, गाड़ी वाले ने पक्षी को धोखा दिया है एक दिन एक काली बिल्ली आई काली बिल्ली आप जानते हैं काली बिल्ली को यह काली बिल्ली करमबुचा एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपनी मुख में, उसे कर, अपनी मुख में उसे कर। चली गई। काली बिल्ली चली गई अब उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था खून माने खून खून माने रक्त उसका रक्त उसका रक्त जमीन पर धरती पर बूंदों की लकीर बना रहा था लकीर माने रेखा वरा लाइन अले बूंदों की लकीर जरा सोचिए उस पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था बूंदों की लकीर बना रहा था तो दोस्तों यह कहानी समाप्त होती है आपको ആപ്കോ कहानी कैसी लगी बहुत अच्छी कहानी है ना കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ നൗജവാൻ പക്ഷിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പറഞ്ഞാട്ടെ അതെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ പുറകെ പോയി അവൻ്റെ ശക്തിയെല്ലാം നശിച്ച് വണ്ടിക്കാരനാൽ ചതിക്കപ്പെട്ട് അല്ലേ വണ്ടിക്കാരനാൽ ചതിക്കപ്പെട്ട് വേദനിച്ചിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ ഒരു കറുത്ത പൂച്ച അകത്താക്കുന്നു അതോടുകൂടി അവൻ്റെ ജീവിതവും കഴിയുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം എന്താണ് പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെട്ടത് അല്ലേ വണ്ടിക്കാരൻ്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീണില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പക്ഷിയുടെ കഥ മറ്റൊന്നായേനെ अल्ले अरे तो बच्चों बताइए इस कहानी का नायक कौन है हाँ नौजवान पक्षी उसका व्यवहार कैसा है व्यवहार माने पेरिमाट उसका व्यवहार कैसा है पन्ना संख्या बीस में पक्षी के कुछ व्यवहार दिए गए हैं देखिए മേ കഹാനീസെ പ്രത്യേക വ്യവഹാർക്ക പ്രസംഗ ലിഖ്നാഹെ പ്രസംഗമാണ് സന്ദർഭം പക്ഷിയുടെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് ബിഹേവിയറാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കഥയിലെ ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഓരോ പെരുമാറ്റവും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ക്യാ ആ തയ്യാറേ मैं तैयार हूँ पूर्ण कार्य करना कहानी के किस प्रसंग से हमें इसकी सूचना मिलती है सोचिए आगे देखें तात्कालिक लाभ के लिए अस्तित्व नष्ट करना पक्षी तात्कालिक लाभ के लिए अपना अस्तित्व नष्ट करता है इसकी सूचना हमें कहानी में कहाँ मिलती है बेड़ों की बातों को बिना सूझबूझ के धिकारना बिना सूझबूझ के धिकारना माने विंड विचार मिल दे क्या पक्षी ने अपने पिता का उपदेश माना था नहीं प्रलोभन में पूरी तरह फंस जाना फंस जाना माने अगपड़गा मैं आपका काम कुछ आसान कर देती हूँ देखिए पक्षी का व्यवहार और कहानी का प्रसंग पक्षी का व्यवहार और कहानी का प्रसंग मैं आपको देती हूं आपको कहानी बार बार पढ़कर कहानी को बार बार पढ़ना है कहानी बार बार पढ़कर केवल उसका सही मिलान करना है देखें पूर्ण कार्य करना इसका मिलान किस वाक्य से हैं जरा बताइए हां नौजवान पक्षी को लगा यह बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरों में भरकर बेच रहा है प्रकार आप इन चारों व्यवहारों के प्रसंगों का मिलान करें पुस्तक में और तीन व्यवहार भी दिए गए हैं वो भी देखें अपनी गलतियों पर सफाई खोजना गलतियां माने तेट्युगढ़ सफाई खोजना न्यायी गरिकेगा खोए हुए अस्तित्व को फिर से पाने की कोशिश करना खोए हुए नष्ट फिर से पाना वीडम नेडीडा कोशिश करना परिश्रमिकेगा खोए हुए अस्तित्व को फिर से पाने की कोशिश करना थोके बासी को पहचान कर निराश होना थोके बासी पहचान कर तिरचरना धोकेबासी को पहचान कर निराश होना इन सबके प्रसंगों को कहानी बार बार पढ़कर आपको लिखना है और अपनी टीचर जी को जरूर दिखाएं ये सब पक्षी के व्यवहार है ना इन व्यवहारों के आधार पर ചരിത്ര ചരിത്രചിത്ര മാനേ കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാർക്കർ സക്തേ ഹ് പക്ഷിക്കാ ചരിത്ര ചിത്രൻ പക്ഷിയുടെ കഥാപാത്ര നിരൂപണം മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ കഥാപാത്ര നിരൂപണം ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഈ കഥയിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമാണല്ലോ നൗജവാൻ പക്ഷി നൗജവാൻ പക്ഷിയുടെ സ്വഭാവത്തിലെ ഒരു ഏഴ് പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണല്ലോ അത്സതാപൂർണ്ണ കാര്യ കർണ तात्कालिक लाभ के लिए अस्तित्व नष्ट करना बडों की बातों को बिना बूझ के धिकारना प्रलोभन में पूरी तरह फंस जाना अपनी गलतियों पर सभाई खोजना खोए हुए अस्तित्व को फिर से पाने की कोशिश करना थोके को पहचान कर निराश होना അതിന്റെ എല്ലാ സഹായത്താൽ കഥാപാത്ര നിരൂപണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ലേ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ നോക്കൂത്തിന് ഈ സൂചകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ മലയാളം ചരിത്ര ചിത്രം തയ്യാർ കത്തെ സമയം പേ ചരിത്രം കേരളീയർ हाँ, शीर्षक जरूर देना है कहानी तथा कहानीकार की सूचना देनी है पक्षी किस कहानी का पात्र है कहानीकार कौन है तो कहानी तथा कहानीकार की सूचना देनी है पक्षी के चरित्र या स्वभाव पर प्रकाश डालने वाली घटनाओं और संवादों का उल्लेख भी होना है पक्षी के विशेष मनोभाव की सूचना भी देनी है साथ ही साथ समग्र रूप से पक्षी के चरित्र का चित्रण करना है तो बच्चों चरित्र चित्रण तैयार करके अपनी टीचर जी को जरूर दिखाए पहले आप व्यवहार और प्रसंग का सही मिलान करें उसके बाद चारित्र चित्रण भी लिखे तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़े जरा एक बार फिर से देखें। गाड़ी वाला दे जाता, पक्षी उसके इंतजार में खुलता रहता मैं खुद दीमकें ढूंढूंगा खूब मेहनत करके उसने दीमकें ढूंढ ली उसके पास दीमकों के ढेर के ढेर हो गए एक दिन गाड़ी वाला आया गाड़ी वाले ओ गाड़ी वाले ये मेरी धीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो बेवकूफ मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ पंख के बदले दीमक नहीं पक्षी चटपटा कर रह गया एक दिन एक काली बिल्ली आई और पक्षी को अपने मुख में दबाकर चली गई पक्षी का खून टपक टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था बच्चों पक्षी के व्यवहार और प्रसंग का सही मिलान भी करें। और पक्षी की चरित्रगत विशेषताएं माने चरित्र चित्रण भी लिखें। और अपनी टीचर जी को जरूर दिखाएं। बच्चों आज की कक्षा यहाँ समाप्त करती हूँ अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद